वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि घर में ही उनकी हत्या की गई। दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि उनका शव घर के भीतर क्षत विक्षत हालत में मिला। पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपोल बाजार के अफजला पंचायत में है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में।